तारीख 19 अक्टूबर 2023, जगह पुणे में मौजूद महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप 2023 में मैच नंबर 17 चल रहा था। भारत जीत के मुहिम पर पहुंच चुका था। विराट कोहली भी अपने शतक से महज 3 रन की दूरी पर थे। उनके शतक के खातिर ही विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को उनको बार बार स्ट्राइक दे रहे थे ताकि वो हर हाल में शतक पूरा कर सके। इसी बीच बांग्लादेश की ओर से भारतीय पारी का 52वां ओवर बाय हार्ट के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर नुसूम अहमद करने आए। उन्होंने पहली ही गेंद लेग साइड की ओर फेंकी। कुछ फैंस को लगा कि ये गेंद वाइड देनी चाहिए थी। एम्पायर रिचर्ड केटलोरी ने पक्षपात दिखाया और विराट कोहली को शतक बनाने का मौका दिया। बहरहाल विराट कोहली नुसूम के नेगेटिव लाइन वाली गेंदबाजी को देखकर कुछ पल के लिए सरप्राइज रह गए। उनको ऐसा लगा कि एम्पायर रिचर्ड वाइड दे देंगे और वो शतक से चूक जाएंगे, लेकिन रिचर्ड एकटक होकर खड़े रहे। फिर विराट ने नुसूम की एक और गेंद खेली और फिर तीसरी गेंद में छक्का जड़कर अपना 48वां शतक पूरा कर दिया। इसके बाद विराट ने अपने स्टाइल में बल्ला लहराया और पवेलियन लौट गए। यह भारत के टूर्नामेंट में लगातार 4th जीत रही है। हालांकि इस वाइड बॉल के निर्णय पर सोशल मीडिया पर फैंस महाभारत कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि ये क्लियर वाइड गेंद थी। आखिर किन परिस्थितियों में एम्पायर वाइड गेंद नहीं दे सकता है, इस बारे में जब हमने क्रिकेट के नियमों वाली बुक MCC का नियम देखे तो MCC में 22.4 नियम के मुताबिक वाइड बॉल नियम शतक में नहीं दे सकते हैं। मार्च 2022 में वाइड के नियमों में बदलाव हुए थे। यदि बल्लेबाज गेंद के दौरान मूव कर रहा हो तो वाइड बॉल नहीं दी जाती है। वहीं गेंद बल्लेबाज के काफी पास से गुजरी हो, यदि गेंद बल्लेबाज को छूती है तो एम्पायर किसी डिलीवरी को वाइड नहीं मानेंगे, बल्कि तभी गेंद को वाइड कर देगा जब गेंद बल्लेबाज के पास से गुजरती है। वहीं क्रिकेट के नियम यहां भी कहते हैं, अगर बल्लेबाज हिलने डुलने से गेंद उसके पास से वाइड निकल जाती है तो एम्पायर किसी डिलीवरी को वाइड नहीं ठहराएगा। हालांकि मैच के दौरान पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज और अब एक कमेंट्री कर रहे दीपदास गुप्ता ने तंज कसते हुए कहा, केएल राहुल और फिर एम्पायर की थोड़ी मदद विराट कोहली ने अपना शतक पूरा किया। दरअसल वाइड देखने के लिए बल्लेबाज के स्टांस की परियोजना देखी जाती है। विराट उस स्टॉक के दौरान थोड़ी मूव कर रहे थे, इस कारण वाइड नहीं दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MG मीडिया न्यूज़।